बड़ी खबर आपको बता दें कि अलका लामा ने आम आदमी पार्टी को टाटा बाय कहने के बाद में कांग्रेस का दामन थामने वाली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अलका लामा कांग्रेस में शामिल होंगी, 10 जनपद पर जाकर कांग्रेस में अलका लामा शामिल होंगी। इसे घर वापसी आप कह सकते हैं, सोनिया गांधी के नेतृत्व में शामिल होंगी। अलका लामा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तो बड़ी खबर हम इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि टाटा बाय बाय आज कहा अलका लामा ने आम आदमी पार्टी को। उसके बाद में कयास यही थे कि क्या कांग्रेस में फिर से वापसी होगी, और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस का दामन एक बार फिर से अलका लामा थामने वाली है। इसे घर वापसी आप कहिए कि घर वापसी होने वाली है। विश्वजीत झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत, सुबह ये खबर थी कि वहां से इस्तीफा देने के बाद में अब हो सकता है घर वापसी हो, और आखिरकार आधिकारिक तौर पर टोटल न्यूज ने मोहर लगा दी है कि अब घर वापसी यानी कि कांग्रेस में फिर से शामिल होंगे अलका लामा। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले अलका लामा ने ही खुद मैसेज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो शाम 6 बजे सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल होने जा रही हैं। और इससे पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में उन्होंने मुख्यमंत्री से और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए कहा था कि उनके पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज कहते थे कि उन्हें ट्विटर पर भी इस्तीफा दे दें, तो वो ट्विटर पर उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है और मुख्यमंत्री को उसे स्वीकार करना चाहिए। उसमें ये भी उसने आरोप लगाया कि कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया, लिहाजा उन्होंने ट्विटर पर ही अपना इस्तीफा भेजा है। तो अब तस्वीर करीब करीब पूरी तरह साफ हो गई है। 2 दिन पहले सोनिया गांधी से मिली भी थी अलका लामा, और उस वक्त उन्होंने खुलासा नहीं किया था, लेकिन ये संकेत साफ साफ नजर आ रहे थे कि कांग्रेस में वापसी का रास्ता वो तलाश रही हैं, और अब वो रास्ता प्रशस्त हो गया है। 6 बजे कांग्रेस में वो औपचारिक तौर पर शामिल हो रही हैं। निश्चित रूप से ये घर वापसी है, क्योंकि कांग्रेस में काफी सक्रिय रही थी पहले, यूथ कांग्रेस में भी, और इससे पहले दिल्ली में मोती नगर में मदन लाल खुराना के खिलाफ भी वो चुनाव लड़ चुकी है एक बार विधानसभा का। लेकिन जब 2013 का विधानसभा चुनाव था, तो उस वक्त उन्हें पार्टी से कांग्रेस में टिकट नहीं मिला था, उस वक्त काफी निराशा हुई थी, और फिर उसी दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। तो कहीं ना कहीं सवाल यही है कि उस वक्त टिकट नहीं मिला था तब आम आदमी पार्टी के खेमे में चली गई थी, अब क्या लगता है, क्योंकि चांदनी चौक में एक बड़ा नाम बन गई है, लोग जानते हैं पहचानते हैं, वहां से विधायक भी थी, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अब ये फायदे वाली बात हो जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से, हालांकि कांग्रेस उस वक्त जो भाव कांग्रेस में, उस वक्त कांग्रेस सेंटर में भी सत्ता में थी और दिल्ली में भी सत्ता में थी, तो उन्हें शायद ये उम्मीद नहीं था कि कांग्रेस की हालत हो जाएगी, दिल्ली में कांग्रेस शून्य पर चली जाएगी, वोटिंग परसेंटेज भी काफी नीचे चला जाएगा। लेकिन इस वक्त निश्चित रूप से कांग्रेस की भी जरूरत है कि उनके लोग वापस आए पार्टी में, और अलका लामा चूंकि लगातार विधानसभा में आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही जीतने के बावजूद काफी मुखर रही है, काफी अपनी बातों को सक्रियता से रखती रही है, तो अभी के दौर में कांग्रेस को ऐसे लोगों की जरूरत भी शायद थी, और उसे ही देखते हुए सोनिया गांधी ने खुद ऐसा लगता है कि उनकी वापसी का रास्ता साफ किया है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार उन्होंने पिछली जो प्रदेश अध्यक्ष थी या जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके दौरान भी वापसी की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त कहीं से भी उन्हें इस तरह की हरी झंडी नहीं मिली थी, लेकिन अब वो हरी झंडी दी गई है। तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को भी अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में ऐसा लग रहा है कि अलका लामा जैसे युवा चेहरे जब पार्टी में वापस आएंगे, जो कि किसी वजह से पार्टी से दूर चले गए हैं, तो पार्टी को कहीं ना कहीं और ऊर्जा मिलेगी, और शायद ये वजह है कि वापसी का रास्ता साफ किया गया है, और निश्चित रूप से फायदा शायद दोनों को दिखा होगा, तभी ऐसा फैसला किया गया है।